अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ हाजी साहब भी हैं। हाजी साहब, आपको क्या लगता है, मिलेगा? मैंने कल सोलापुर नामा के न्यूज पर देखा कि भिपट्या सदृश प्राणी यहाँ पर दिखा बोल के और एक बकरी को ले जाया बोल के, ऐसा मालूम होने के बाद में हम यहाँ अभी स्पॉट पर आए। आने के बाद देखे तो वन विभाग जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर एक पिंजरा ला के रखा है और उसके सामने कैमरा भी बटा हुआ है। समझो अगर भिपट्या आया तो पिंजरे के सामने से आएगा, वो उसके अंदर उन्होंने बकरी रखने वाले, बकरी को देख के बास के हिसाब से वो आएगा और पिंजरे के अंदर भिपट्या जो है उसमें कैद होगा। तो वन विभाग का यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम है और फोन लाए बरोबर वन विभाग की पूरी टीम आकर यहाँ पर पिंजरा बिंजरा लगा के एक चार कैमरा बटा के ऊपर नजर रखे हुए है और वो कड़क पहाड़े में क्या के ऊपर वाच इसमें वन विभाग की टीम। कल रात को आपको डर लगा था, आप कैसा लग रहा है वन विभाग टीम आने के बाद? अच्छा लग रहा है। सोलापुर नामा 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कल जो यहाँ पे भिपट्या देखा गया था उसको पकड़ने के लिए वन विभाग अधिकारी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर पिंजरा जो दिख रहा है वहाँ पे वो लेकर आए हैं और वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, और यहाँ पर कुछ शेतकरी भी हैं और नागरिक भी है। सर, आपको क्या लगता है सर इससे? ये लवकर लवकर आणले तीन आता झाडा आता धराव हे आमची विनंती देवाचं आमचं हे करतो आम्ही ये सापड़ा त्याच्यामध्ये। आता हमारे साथ यहाँ हाफी साहब भी हैं। हाफी साहब, आपको क्या लगता है कि पिंजरे में कैद होगा? अभी जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे हाजिर है तो उस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाजिर है उससे हम भरोसा है कि जाएगा अभी, और उनके बहुत सारी मेहनत चालू है उनकी भी, इंशाल्लाह उससे मिल जाएगा। हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि मौला करीम इनको जल्द से जल्द मिलने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और वो पिंजरा लेके आए हैं और सोलापुर नामा भी यही कहता है कि जल्द से जल्द भिपट्या पकड़ा जाए।